क्या कभी खाए हैं आपने बापले? क्या कभी सुना है नाम बापले का? जी हाँ दोस्तों, हर क्षेत्र का अपना ही एक व्यंजन होता है। हर क्षेत्र के लोगों की पसंद अपनी अपनी होती है। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा मशहूर है, उसी तरह मध्य प्रदेश में बापले, दाल चावल, बिरयानी, आम चटनी, आम कलेजी व अन्य खाने के आइटम होते हैं। बापला आटा सौंफ नमक चीनी गुड़ देसी घी और भी कई खाने के पदार्थों से बनता है। बापला पहले आटा पानी व घी से गीला किया जाता है, फिर उसे पानी में उबालकर ठंडा कर अंगारों पर डाला जाता है और आग से सिकाई होने के बाद घी में डाल तैयार बापले को खाने के लिए परोसा जाता है और खाने वाले वाह जी वाह, बापले भोपाल जी जय हो कहते हैं। जी हाँ, बापले आप देख रहे हैं, अंगारों पर सिक रहे हैं बापले। जी हाँ, आप देख रहे हैं, ये बापले तैयार कर रही हैं औरतें और इन्हें बापलों को ये कढ़ाई में और इस भगोने में डाल रहे हैं और इसे फिर निकाल कर इसे बाहर रखा जाएगा। जब ये पक कर तैयार हो जाएंगे तो इसको निकाल कर फिर इसकी सिकाई की जाएगी, वो भी इन अंगारों पर। और इन अंगारों पर डालकर जब ये सिकाई होगी तो ये बिरयानी के साथ में और चटनी आम की के साथ में खाने के लिए दिया जाएगा। जो दाल और बापला कहा जाता है, यहाँ का मशहूर एक व्यंजन है जिसे शादी ब्याह में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। आप भी कभी भोपाल आएँ तो बापला ज़रूर खाएँ। देखिए बापला कितना स्वादिष्ट है। ये क्या बना रहे हैं आप? कैसे बनाते हैं? दाल बापले। किस किस चीज़ से बनाते हैं ये? कैसे बनता है ये? मटर डालते हैं, आटा डालते हैं, तेल डालते हैं, सोडा डालते हैं, अजवाइन डालते हैं, जीरा डालते हैं, हींग डालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? डालते हैं, गर्म पानी में उबालते हैं। उसके बाद उबालने के बाद फिर सेकते हैं भट्टी पर। भट्टी पर। फिर उसके बाद कैसे? देसी घी में फ्राई होते हैं। देसी घी में उसके बाद खाए जाते हैं। चलिए हम दिखाते हैं बापले, जिसको कहते हैं अंगाकड़े। अब इसके अंदर ही अंगाकड़ों को डाला जाएगा, जिसे हम दाल बाटी भी बोल सकते हैं। और अब ये इन्हें बराबर कर रहे हैं और कुछ देर के बाद इसके अंदर ये जितने भी ये आप देख रहे हैं बाटी, ये सभी इसके अंदर डाल दिए जाएंगे, जिसे बापले भी बोलते हैं और अंगाकड़े भी बोलते हैं। अंगाकड़े यानी अंगारों पर सिके हुए। अभी आप देख रहे हैं इन बापलों को उठाकर ये अंगारों पर डाल रहे हैं और इन अंगारों पर डालने के बाद इनकी जब सिकाई हो जाएगी तब इन्हें खाने के लिए परोस दिया जाएगा दाल घी के साथ में। अब इससे निकलने के बाद इसको घी में डुबाया जाएगा। ललित जी, आपने जो दाल बाटी खाई है कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया लगी। दाल भी बढ़िया है, बाटी भी बढ़िया है, लड्डू भी बढ़िया है और चावल भी बढ़िया है। चलिए देखते हैं। और लोंजी आने वाली है और चटनी भी है, वो भी आने वाली है। चटनी भी आने वाली है। स्वादिष्ट भोजन है कर रहे हैं।